पश्चिम बंगाल के रानीगंज और आसनसोल में हिंसा को लेकर सियासत तेज हो गई है। हिंसा के लिए बीजेपी और पश्चिम बंगाल सरकार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के रानीगंज और आसनसोल में रामनवमी के दिन हिंसा के बाद तनाव अभी भी है। आसनसोल और रानीगंज में धारा 144 लगी हुई है और इंटरनेट सेवाएं भी बंद हैं। हालांकि मोबाइल सर्विसेज जारी हैं। दोनों शहरों में भारी पुलिस बल तैनात है। आरएएफ को भी लगाया गया है। पुलिस ने मीडिया और लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। मीडिया के माध्यम से कि रूमरों पर ध्यान नहीं दें, इसलिए आप लोगों के माध्यम से अनुरोध यही है कि रूमरों पर ध्यान नहीं दें। सब अवस्था ठीक है। नॉर्मल डेथ तो नॉर्मल टाइम में भी होती रहती है। इस इंसिडेंट से रिलेटेड कोई डेथ नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ने बीजेपी पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी ने टीएमसी को हिंसा के लिए जिम्मेदार बताया है। बीजेपी ने कहा कि ममता सरकार हिंसा रोकने में नाकाम रही है। ममता यहां दिल्ली में राजनीति कर रही है। रोम जल रहा था, नीरो फिडल बजा रहा था, उसी को यथार्थ कर रही है ममता। हम एक ही सवाल पूछना चाहते हैं, आपको राजनीति करनी है करो, लेकिन पहले बंगाल में लगी आग को बुझाओ। इस बीच केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को और सुरक्षा बल भेजकर मदद की पेशकश की है।